बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि सरकार अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही बराला ने कहा कि जिस तरह से पूर्व सरकारों में राजनीतिक संरक्षण के अंदर गुंडे पाले जाते थे और गुंडागर्दी होती थी, वो अब नहीं होती। करनाल में सीएम खट्टर ने स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। करनाल को दिया सीएम खट्टर ने तोहफा, 3,41,00,000 की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रोहतक जिले के भैंसूरे खुर्द के झोटे ताज के सिर राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का ताज सज गया। 4 साल के करीब 15 क्विंटल वजनी ताज को 2,50,000 का पहला इनाम मिला है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजेता पशुधन पालकों को करीब 9 करोड़ के पुरस्कार बांटकर इस पशुधन प्रदर्शनी का समापन किया। रोहतक की आजादगढ़ कॉलोनी में पत्नी की गोली मारकर हत्या, मामूली विवाद में पति ने दिया वारदात को अंजाम। वारदात के बाद पति ने खुद को भी मारी गोली, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस, आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला किया गया दर्ज। पति पत्नी में शराब को लेकर झगड़ा बताया गया है हत्या का कारण। जुलाना में धान की कटाई के लिए ले जा रहे कैंपेन में आग लग गई। आसपास के किसानों ने की आग बुझाने की कोशिश, शॉर्ट सर्किट की वजह बताया जा रहा है आग का कारण। फतेहाबाद में पेट्रोल पंप से 60,000 रुपए की लूट, पंजाब नंबर की गाड़ी से आए 4 बदमाश, मामले की जांच कर रही है पुलिस। गुरुग्राम में ABW आदित्य निकेतन के नाम से शुरू हुआ प्रोजेक्ट लोगों के गले की फांस बन गया है। बिल्डर्स की वादाखिलाफी से परेशान लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं, बावजूद इसके ना तो लोगों को घर मिल रहा और ना ही अपना पैसा वापस। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। भिवानी पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा के लोगों के ज्यादातर काम स्थानीय मंत्री और विधायकों से ही होते हैं, सांसदों से नहीं। सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने के बयानों पर कहा, हर एक की अपनी इच्छा होती है,